नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा जो सेशन होगा वो बेहद ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज से हमने लगातार सेशन स्टार्ट कर दिया है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो बेसिकली जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए इकोनॉमी के क्वेश्चंस है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी यहाँ पर हम किसके लिए ला रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आया होगा कि BA के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, या फिर BSc के, BSc बायो, या फिर LLB के लिए, या फिर MA, MSc, या फिर इसी तमाम प्रकार की जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करवाती है एग्ज़ाम उनके लिए। तो मैं बता दूं कि अगर इकोनॉमी अगर किसी भी सेगमेंट में आ रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्ज़ाम में आ रहा है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें जो है वो क्वेश्चन तो बदलने वाले हैं नहीं, पैटर्न तो वही सेम फॉलो होता है। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो कि BA, BSc, साथ साथ में अन्य तमाम प्रकार के जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछे गए, उनको यहाँ पे प्रश्नों को शामिल किया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पैटर्न को देखते हुए ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो आपको इस बात का बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि हम यहाँ पे BA के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर BSc के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर LLB के लिए है। तो बेसिकली अगर आपका इकोनॉमी अगर आपके सेगमेंट में पूछा जाता है तो डेफिनेटली आपके लिए सहायक होगा। दूसरी बात ये है कि इसका अगर आप PDF फाइल चाहते तो हैं, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप किसी भी तरीके की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप पे या फिर डायरेक्टली आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो 25 क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता होगा कि क्वेश्चंस आते हैं अगर आप BA का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन, उसमें आपको 7 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, जिसमें से आपको इकोनॉमी, हिस्ट्री, कुछ सेगमेंट होते हैं, संस्कृत का भी होता है, तमाम प्रकार के आपको पता होंगे, तो उसको हमने डिस्कशन करा दिया है। अगर आप BSc के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो BSc के एग्ज़ाम में भी ये पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। उसमें हालांकि GK की देखा गया है, तो उसमें GK के आएंगे, मैथ्स के आएंगे, अलग अलग प्रकार के आते हैं, और MSc का भी पैटर्न देखा जाए तो उसी हिसाब से है। तो अगर आपके पैटर्न में आपने देखा है कि जो है इकोनॉमी सेगमेंट आता है, तो डेफिनेटली आपके लिए सहायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है मानव विकास सूचकांक, यानी HDI। HDI का फुल फॉर्म आपको अगर पूछा जाए, हो सकता है कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। तो बेसिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो किसी देश की स्थिति को बताता है कि यहाँ पर मानव का जो विकास है, सूचकांक है, वो किस स्तर का है। ये जो स्तर होते हैं वो 3 स्तरों पर जांचे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला है जीवन प्रत्याशा, ठीक है। जीवन प्रत्याशा मतलब वहाँ का व्यक्ति जो है वो कितनी आयु तक जी रहा है, यानी 60 से 65 है, या फिर 80 से 85, या 110 से। तो जितनी अच्छी जीवन प्रत्याशा होगी उसी के बेसिस पे उस देश का जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। दूसरी हमारी है प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि प्रति व्यक्ति जो कितना कमाता है। तीसरी जो हमारा है शिक्षा से है, ठीक है, एजुकेशन से है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यानी शिक्षा का स्तर क्या है। तो ये 3 चीज़ें सेगमेंट जो होती है वो मानव विकास सूचकांक यानी HDI का अंतर्गत आते हैं। अगर इसमें पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, तो किस अर्थशास्त्री की देन है ये पूछा गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, तो महबूब उल हक की। आपको ये आंसर यहाँ पे देख लेना है, तो महबूब उल हक की देन जो है वो HDI है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन हमारा कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। आपको पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में गरीबी यानी गरीब लोग ज़्यादा निवास करते हैं, यहाँ पे गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो आपका आंसर होगा वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे कम कहाँ पर है, मतलब कि अगर पूछा जाए कि सबसे गरीबी जो है वो सबसे निम्नतम स्तर पर कहाँ पर है किस राज्य में भारत के, तो वो आपका राज्य हो जाएगा गोवा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। गोवा जो राज्य है उसमें सबसे कम गरीब पाए जाते हैं, यानी जो गरीबी का प्रतिशत है वो सबसे कम है। वहीं अगर बात किया जाए कि प्रति व्यक्ति आय की, यानी प्रति व्यक्ति आय किसकी सबसे कम है किस राज्य की, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बिहार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार प्रति व्यक्ति आय की कम के हिसाब से देखा जाए, और गरीबी का प्रतिशत देखा जाए तो सबसे गरीब देश कौन सा है, माफ़ कीजिएगा, सबसे गरीब राज्य कौन सा है कहा जाए, तो प्रतिशत के मामले में छत्तीसगढ़, और सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है वो है छत्तीसगढ़, माफ़ कीजिएगा, गोवा। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वहीं तीसरे क्वेश्चन की बात किया जाए तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि भारत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है BA के एग्ज़ाम में, आपको बता दूँ 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का
उग्रदूत कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तो इसमें है नहीं, आंसर वैसे लिख दिया गया है, ठीक है। तो आपका अगला जो है चौथा नंबर का क्वेश्चन हमारा है, तो चौथे नंबर में हमारा है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। देखिए पहले कौन सा था हमारा, पहले अगर पूछा जाता तो पहले कृषि क्षेत्र था, पहले कृषि क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय आय का, भारतीय भारत की राष्ट्रीय आय का, ठीक है, GDP मतलब जिसे हम कहते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्रॉस माफ कीजिएगा, ठीक है। तो GDP का जो है यहाँ पे बताया गया है, बताया गया कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख क्षेत्र है यानी GDP का जो प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, वो सेवा क्षेत्र है, ठीक है, वर्तमान समय में। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि रुपए की चिन्ह की रचना किसने की थी। रुपए का आपने देखा होगा ना कि इस प्रकार से जो है हमारा सिंबल होता है, तो रुपए चिन्ह की जो है वो रचना किसने की थी। तो रचना जो की थी वो किया था उदय कुमार ने, ठीक है। आपको याद रखना है कि उदय कुमार ने 2010 में किया था, और हमारा यूनिक सिंबल है, ठीक है, जैसे डॉलर होता है ना इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होता है डॉलर। तो क्या है कि हमारा ऐसा पांचवा देश है जिसका एक अलग पहचान है, किसकी, रुपए के मामले में, मतलब उसके जो मुद्रा है उसकी एक अलग पहचान है, ठीक है। तो ये पांचवा देश, हालांकि याद रखना है, तो रुपए के जो चिन्ह की जो रचना की थी वो उदय कुमार ने 2010 में किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर की बात करें तो सर्वाधिक बार 10 बार बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी जो देसाई हैं वो सर्वाधिक यानी 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री है। ये 2019 के पेपर में आई होप कि पूछा गया है, BSC के पेपर में, ठीक है, BSC में भी पूछा गया, और शायद आई थिंक कि मैं कंफर्म नहीं है BA के बारे में, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो सर्वाधिक बार 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, मोरारजी देसाई, ठीक है। और अगर आप पूछा जाए तो पहली बार स्वतंत्र भारत का पहली बार जो है बजट कब पेश किया था, किसने पेश किया था 1947 में, ठीक है, तो खटमुखम सेठी ने पहली बार जो है बजट पेश किया था, ठीक है, कौन, खटमुखम सेठी, आपको याद रख लेना है, खटमुखम सेठी जो थे वो पहली बार स्वतंत्र भारत का बजट पेश किए थे, ठीक है। और पूछा जाए कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था स्वतंत्र भारत का, नहीं, आपको ध्यान रखना है स्वतंत्र भारत या फिर भारत का, तो भारत का सर्वप्रथम पहला बजट पेश कब किया गया था, तो सन 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन, ठीक है, जेम्स विल्सन ने किया था, ठीक है, जब अंग्रेज़ों की सरकार थी तब पहली बार जो है 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने किया था। हालांकि क्वेश्चन अभी आपको भूलना नहीं है कि सर्वाधिक बार, क्वेश्चन जो आया है वो इसी की बेसिस पे आया है कि सर्वाधिक बार लगातार 10 बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री कौन है, तो मोरारजी देसाई हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो SEBI यानी SEBI की स्थापना कब हुई थी, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि SEBI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1998 ईस्वी में, ठीक है, 1998 ईस्वी की हुई थी 12 अप्रैल, ठीक है, कब, 12 अप्रैल 1998 को हुई थी। अगर बात किया जाए तो संवैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया, तो 30 जनवरी 1992 को इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 30 जनवरी 1992 को इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बात किया जाए इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय जो है इसका वो है मुंबई में, ठीक है, आपको इससे रिलेटेड इतना जानकारी रखनी है। साथ ही बात किया जाए कि SEBI का जो कार्य है वो क्या है, तो SEBI का जो कार्य है वो शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा शेयर मार्केट बारे में, आपको जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि जो SEBI जो है उसका कार्य क्या है, कि जो शेयर मार्केट जो रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको व्यवस्थित करना, मेंटेन करना SEBI का कार्य है, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने कि SEBI की स्थापना 1998 हुई थी 12 अप्रैल 1998 में, और दूसरा हमने देखा कि इसको संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया, इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो मुंबई में है, और इसके कार्य की बात किया जाए तो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो उससे रिलेटेड इसके कार्य हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सातवां क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। आठवां क्वेश्चन है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, यानी भारत में सिक्के कौन जारी करता है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि आर बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एस बी आई दिया रहेगा, या फिर आपको ऑप्शन में राज्यसभा के या फिर संसद दी होगी, तो तमाम प्रकार के ऑप्शन दिए होंगे। तो वित्त मंत्रालय जो है वो भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है, तो 8वां नंबर का हो जाएगा वित्त मंत्रालय, सही है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का यानी जीडीपी का सबसे पहले आकलन किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्हें दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें यहाँ पे पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। अगला हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि देश के 14 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए, देश के 14 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में हुआ था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा 1949, ठीक है, 1949। आपको याद रखना है कि देश के 14 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में, ठीक है। और इसके बाद अगर पूछा जाए, अब यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि दूसरी बार 6 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दूसरी बार 6 बड़े कमर्शियल बैंकों का जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था सन 1980 में। आपको याद रखना है कि पहली बार कब हुआ, पहली बार 14 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में, और दूसरी बार 6 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1980 में। और आरबीआई का पूछा जाए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो सन 1949 यानी सन 1949 में हुआ था, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 11 नंबर अगर बात किया जाए तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। आपको याद रखना है कि देश में, भारत में जो है वो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, देखिए इस बार जो क्वेश्चन आए थे, मैं आपको बता दूं कि बीए के एग्ज़ाम में मुझे इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन अभी याद आए हैं। 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि अफीम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, अफीम का उत्पादन भारत, मैं आपको पैटर्न बता देना हूँ, ठीक है। तो जैसे पैटर्न क्या पूछे जाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, बीए हो चाहे बीएससी हो चाहे वो, तो बेसिक चीज़ें वो पूछता है। जैसे बेसिक चीज़ें में हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, कि जैसे भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, हरित क्रांति कब हुई थी, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, ठीक है। और भारत जो है, मान लीजिए किसी गेहूँ चावल हो गया कोई चीज़, मान लीजिए कि चावल के सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, और या फिर पूछ सकता है कि कौन सा देश है जो चावल के उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखता है, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा सकता है कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विश्व में पहला स्थान किसका है, या फिर भारत का स्थान कौन सा है। तो ये पैटर्न है, ठीक है, अभी आपको मैं सिर्फ पैटर्न समझा रहा हूँ। तो पैटर्न, ये चीज़ें आपको अगर आती हैं तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है, आप लोग एक बार एग्ज़ाम देकर देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं पैटर्न पर बेसिस पे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत हाई फाई आपका डिमांड नहीं रखता, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो नॉर्मल तरीके से पूछी जाती हैं, जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए इकॉनमी से लेकर, वही चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपको याद रख लेना, खदाने से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं कि खदान कहाँ कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कि खदान कहाँ कहाँ से, झारखंड जो है, झारखंड से रिलेटेड कई क्वेश्चन जो है, भारत के राज्य जो झारखंड है वहाँ से रिलेटेड कई क्वेश्चन इकोनॉमी में आते हैं, और यही सब चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं पूछा जाता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला हम देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, हम हमने शामिल भी कर लिया है, अब आपको एक आंसर बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, आपको ठीक, चलिए ठीक, आप परेशान मत होइए, एम एस स्वामीनाथन जो है वो जो है इसके जनक है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एम एस स्वामीनाथन आपको ये पूछा गया था 2018 के बीए के पेपर में पूछा गया था। हालांकि बीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं अभी आए हैं, लेकिन मैं पैटर्न अभी बता रहा हूँ कि पैटर्न सिर्फ यही है, पैटर्न आपको यही फॉलो करना है। 2018 का पेपर हालांकि इशूट नहीं करता है, लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ठीक है, और डेफिनेटली आने के चांसेस 100% श्योर है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर आपको फोकस करना है। छोटी छोटी चीज़ें आपको अगर मिस कर जाएंगे तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा आगे चलकर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हरित क्रांति का हमने क्या बता दिया कि हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। अब आपको बताना है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 1966 से 1967, ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966 से 1967, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीएससी के पेपर में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के किसे प्राथमिकता दी गई थी। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि क्षेत्र को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई थी। आपको बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, ये 2018 के पेपर में बीए के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी। आपको बताना है इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो कृषि क्षेत्र को दी गई थी, और आई कब थी इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे जो है आंसर नहीं नहीं ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। तो सुरेश तेंदुलकर की समिति जो है वो गरीबी से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार के तमाम प्रकार की जो छोटी छोटी समितियां, जो फेमस समितियां, जैसे लकड़वाला समिति थी तो वो निर्धनता और बेरोजगारी से थी, ठीक है। लकड़वाला जो समिति थी, लकड़वाला समिति जो थी वो निर्धनता और बेरोजगारी से संबंधित नीति थी, ठीक है। और एक चलैया समिति आई थी, चलैया समिति, ठीक है, चलैया ये आपको ध्यान रखना है। चलैया समिति जो आई थी वो जो थी वो कर सुधार से संबंधित थी। आपको यहाँ पे तीन समिति आपने यहाँ पे देख ली है कि सुरेश तेंदुलकर जो समिति थी उसका उद्देश्य किससे था, उसका गरीबी से संबंधित था। दूसरी हमने क्या देखी, लकड़वाला समिति जो निर्धनता एवं बेरोजगारी से संबंधित थी, और तीसरा हमने देखा चलैया समिति जो कि कर सुधार से संबंधित थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब लाई गई थी। देखिए इस प्रकार के पैटर्न का जो आंसर होता है इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब लाई गई थी, हालांकि मुझे ये नहीं पता कि इसमें पूछा कब गया है, लेकिन पूछा गया है इसलिए शामिल कर लिया गया है। तो भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब लाई गई थी या कब बनी थी, तो 1948 में भारत में पहली बार औद्योगिक नीति 1948 में बनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला नंबर हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। तो 16 नंबर में हम बात करें तो भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, ठीक है, ऐसा कौन सा उद्योग है, कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा उद्योग में भारत के किस उद्योग में, भारत के कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यूरेनियम की खानों के लिए कौन सा फेमस है, झारखंड। आपको बता देना, मैं बता था ना कि झारखंड रिलेटेड कई क्वेश्चन यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जादूगोड़ा का स्थान है झारखंड में, तो यूरेनियम के लिए फेमस है। आपको पूछ सकता है कि लौह के लिए कौन सा फेमस है, या फिर पूछ सकता है कि सोने चांदी के लिए कौन सा फेमस है, मतलब सोने चांदी की खदानें कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। देखिए लोहे, इस्पात, इन सब से ज़्यादा पूछता है, तो आप एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाहों से एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि लौह उत्पादन, लौह जो है खदानें कहाँ पे पाई जाती है भारत के किस राज्य में, ठीक है, इस्पात, इस रिलेटेड आपको एक बार देख लेना है बस। तो यूरेनियम की खदानें यहाँ पे पूछी गई है, तो जादूगोड़ा जो कि झारखंड में है, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला हमारा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, आपको पता होना चाहिए WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, सन 1995 में। आपको आंसर बताना है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। आपने बता दिया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 हुई थी, अब आपको बताना है कि WHO की स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग डेफिनेटली ये चीज़ें बताएंगे। अगला हमारा है कि भिलाई दुर्गापुर, ठीक है, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में लौह इस्पात, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, आपको इस बात को ध्यान रखना है।
दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं। हालांकि 25 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के अंतर्गत मैं आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो है बताते चला जा रहा हूँ। तो अलग अलग पैटर्न करके हो सकता है पूछ ले, तो आपको ऐसा ना हो कि बाद में ये चीज़ें मुझे फंस गई है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भिलाई जो है वो किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो आपको याद रखना चाहिए कि भिलाई जो था वो USA, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की समर्थन से स्थापित किया गया था, जो लौह इस्पात था। दूसरा दुर्गापुर है, जो कि ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया था। और तीसरा राउरकेला है, ठीक है, राउरकेला जो था वो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है। क्या क्या देखा? कि जो भिलाई था वो USA की सहायता से, दुर्गापुर जो था वो ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जो था वो जर्मनी की सहायता से लौह इस्पात संयंत्र जो है वो स्थापित किए गए थे। कौन कौन? एक बार फिर से, भिलाई USA की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। बात किया जाए कि लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में सबसे पहले आय पर कर लगाने की शुरुआत किसने की थी? तो आपको पता होगा कि जेम्स विल्सन ने, ठीक है, 1860 ईस्वी में किया था पहली बार बजट पेश। आपने पढ़ा भी होगा, अब इससे पहले मैंने बताया था क्वेश्चन में। तो भारत में सबसे पहले आय पर कर लगाने की शुरुआत जो की थी वो जेम्स विल्सन ने की थी, ठीक है, आपको याद रखना है या नाम। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में दालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में? देखिए क्या पैटर्न ये है, ठीक है, इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो भारत में दालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा राज्य किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में दालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में होता है दालों का उत्पादन, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। सोयाबीन के क्षेत्र में भी ये सबसे ऊपर आगे आता है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर सोयाबीन और साथ ही साथ में जो दाल होती है ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादित होती हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? जो अगर संवैधानिक स्थिति के अनुसार देखा जाए, संविधान के अनुसार अगर देखा जाए, तो जो खनिज होते हैं उस पर किसका अधिकार होता है? तो राज्य सरकार का अधिकार होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला हमारा है कि 23 नंबर, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है, ठीक है। पहला स्थान अगर पूछा जाए तो पहला स्थान कौन है? पहला स्थान अमेरिका रखता है, ठीक है। आपको यही पूछेगा कि भारत का स्थान कौन सा है और पहला स्थान क्या है, तो दो ही चीज़ें आपको याद रखनी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझना है आपको, सिर्फ दो चीज़ें, भारत का स्थान, पहला स्थान, ठीक है। तो पहले स्थान पर पवन ऊर्जा के उत्पादन में देखा जाए तो पहले स्थान पर अमेरिका है और चौथे स्थान पर हमारा देश भारत है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे, यानी हरित शब्द का प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। अभी हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि तो आपको उसको भी बताया था हमने, तो हरित क्रांति शब्द के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो वो थे विलियम वाट, ठीक है, ये भारत में थे, ठीक है। अगर पूछा जाए तो विश्व जनक हरित क्रांति के कौन थे? तो नॉर्मन वोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन वोरलॉग, इनके नाम भी अजीब होते हैं, आपको याद रख लेना है कि विश्व के स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे? तो नॉर्मन वोरलॉग, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर इसी से अगर पूछा जा सके तो कि श्वेत क्रांति के जनक, जैसे हमने अभी पूछा था ना कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो आपके ऊपर ने बताया था, ठीक है, आपको WHO का स्थापना बताना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि श्वेत क्रांति के जो जनक थे वे थे वर्गीज कुरियन, ठीक है, कौन थे? वर्गीज कुरियन, आपको याद रखना है कि वर्गीज कुरियन जो थे वे श्वेत क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है, ये चीज़ें देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। 25 क्वेश्चन को जो हमने सेगमेंट लाया था, ये चीज़ें जो है वो BA BSC आदि तमाम प्रकार के जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं उसमें से, हालांकि इसमें से BA के काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, BSC में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दूं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि BSC अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें फोकस जो चीज़ें दी गई हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फोकस करना है। हालांकि आप अगर BA तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए रामबाण इलाज होगा,
और मैं बता दूं कि इस रिलेटेड अब लगातार जो है सेशन चलेगा। अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी चाहिए होगी या फिर कोई भी जानकारी, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से या फिर व्हाट्सअप पे डायरेक्टली हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम से भी जुड़ दिया जाएगा, और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए होगी तो आप लोग डेफिनेटली हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर भी और साथ ही साथ में व्हाट्सअप पर भी। सो सेफ, कीप लर्निंग, कीप स्टे विद अस, थैंक यू सो मच।